अब अप्रेंटिसेस भी कुछ बातें कर रहे थे। ताली मारने की जरूरत नहीं, आप जरा समझिए इस बात को। कोर्ट का फैसला है कि रेलवे में बहाली होगी तो एकदम पारदर्शी तरीके से सभी को सामान्य अवसर मिलेगा, उसके हिसाब से बहाली होगी। आप किसी एक वर्ग को अलग से बहाली नहीं कर सकते। ये बात पर शिव गोपाल जी आपको और आपके सभी पदाधिकारियों को और बाकी देश भर में भी समझा चुका हूँ। जब हमारे अप्रेंटिसेस को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। अप्रेंटिस जब किसी को लिया जाता है, ये स्पष्ट निर्धारित किया हुआ है कानून में, और कह के लिया जाता है कि इससे कोई नौकरी आपकी बन गई, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। इसकी तकलीफ देखिए क्या होगी। 10-10 साल किसी ने काम किया, उसको भी नौकरी से बाहर करना पड़ा रेलवे को, क्योंकि उनको बिना कोई प्रोसेस के, बिना कोई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए हुए रेलवे ने अंदर जॉब दे दी थी। उन सबको घर जाना पड़ा कि नहीं शिव गोपाल जी? जाना पड़ा ना, क्योंकि आप किसी को भी अलग से ऐसे नहीं दे सकते नौकरी। लेकिन फिर भी इज्जत करते हुए कि इन्होंने काम किया रेलवे में, कुछ सीखा है। हमने जब 1.25 लाख लोगों को देश में नई नौकरियों देने का फैसला किया, 1.25 लाख, 1,30,000 नई नौकरी, उसमें हमने एक कार्व आउट किया कि कुछ परसेंटेज हमारे अप्रेंटिस भाई बहनों के लिए रिजर्व रखेंगे, जिससे उनकी संभावना नौकरी मिलने की का बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाती है। लेकिन बिना प्रोसेस